लफंगे होते हैं, डिफाल्टर लोग होते हैं गांव में, 5-10 मिल जाएंगे आपको, जिनको कोई कामकाज नहीं होता, जिनके घर पे माँ बाप कहते हैं ना बेटा जा भैंसा ने पानी पिया लिया, जब रोटी लिया खेत में से, तो उसका बिल्कुल ही माँ सी मर्जी है उसकी। और सिर्फ यूं हो कि ये पंखा मिल जाए, कड़ेर कड़े खाट मिल जाए, मैं आराम से ठाट से बैठूं, बीड़ी फूकूं, हुक्का फूकूं, उस तरह की हो वो। और उन्होंने मिल गई बॉर्डर पे एसी लगे हुए, ट्रैक्टर ट्राली मिल गए, वॉशिंग मशीन मिल गई, ऑटोमेटिक कपड़े धोने, वहाँ नहीं ना खुद कई घर में लुगाइयाँ मतलब कई ब्याह भी को नहीं हो रहे तो कपड़े भी खुद ही धोने पड़े, वहाँ ऑटोमेटिक मशीन है। और शाम को बोतल मिला है पीने, मुर्गे मिल जाए उनने खाने, और नाच गाना मिल जाए देखने, और एसी मेरा वह सारा दिन ठाट से। तो वो जब उनको पास जो फैसिलिटी मिल गई, वो भैंसा ने पानी क्यों प्याण आवेंगे और क्यों वो रोटी ले आवेंगे अपने माँ बाप की सेवा करें। रह गया उस भैंसा, बहुत घटिया बयान दिया है, चलो बहुत घटिया शब्द थे, एक एक शब्द उसने घटिया बोले। और कोई भी नेता अगर घटिया शब्द बोलता है तो वो खुद सबसे बड़ा घटिया होता है, ये बातें नोट करने की हैं। वैसे तो बीजेपी के नेता हैं सारे घटिया, फिर इसने तो मान लो कल सीमा ही लान दी, इसने गाल किसानों को नहीं बकी, इसने गाल बकी है अपने चाचे ताऊओं को, अपने भाइयों को इसने बेवड़ा बताया, इसने सारी सीमाएं लान दी। ऐसी घटिया औरत मन अपनी जिंदगी में नहीं देखी, वह बात इसने पूरी कर दी, 100 मुझसे खाके बिल्ली चली अज को। कितने कांड इसने कर रखे हैं सारी दुनिया ने पता है। सोनाली फोगाट जी, आपने जो घटिया काम करा है कल है, इससे घटिया काम कोई नहीं हो सकता। बीजेपी पार्टी ही इसी प्रकार की है, जो न किसी का मान सम्मान करना जानते, न किसानों का मान सम्मान करना जानते, न मजदूरों का मान सम्मान करना जानते, न व्यापारियों का। ऐसे नाचने गाने वाली महिलाएं इस पार्टी ने भर रखी हैं, लोगों को डांस दिखा दिखा के वोट लेने का काम करती हैं। तेरी कोई एक बात बताऊंगी, काल परसों तेरी इतनी घटिया वीडियो आई हुई थी, आप एक इस प्रकार का डांस गंदा, जो वो समाज में अच्छा संदेश देगा, वो संदेश देगा कि मारे बेटी बहनों को बहुओं को ये वीडियो देखा, तेरे बच्चनों बचा लागे। कल तो तू साड़ी बांध के पूछ रही थी, परसों तो वीडियो में कितना नंगा नाच करने लग रही थी, सारी दुनिया ने पता तू कितनी घटिया औरत है। और तेरे से तू बीजेपी की नेत्री को आओगे अपना आपने, आज ही मैदान में मैं आदमपुर वाले भाइयों से अपील करूं कि इसकी बात का इसने जवाब दो, इसने किसी गांव में मत पड़ने दो। जिस गांव में किसी जमींदार का या किसी मजदूर का या किसी दुकानदार के घर जाओ, उसके घर हाथ जोड़ लो, इसने ना बुलाओ है, किसी ने बुला ले। कल इसने जम्मा बहुत गलत बात किसानों के बारे में कही है, आज किसानों का बच्चा बच्चा बॉर्डर बैठे है, आज हर घर से वहां भावनाएं किसानों की जुड़ी हुई उनके साथ। अगर किसानों का कोई पवित्र तीर्थ स्थल है तो आज दिल्ली बॉर्डर है, आज मजदूर वहां बैठे हैं, हर प्रकार का वर्ग आज किसानों के साथ खड़ा है। लेकिन ये बीजेपी की बेलगाम अभिनेत्री जो इतने गंदे शब्द बोलती है कि सुनते हुए भी हमें शर्म आवे, हमने इसके खिलाफ बोलते हुए भी शर्म आवे। लेकिन मैं बीजेपी के बाकी नेताओं को बताऊंगा कि सारे आप इसी वर्ग के हो गया, इस पर कार्रवाई नहीं करते। मेरे ख्याल से तो सारे के सारे डूबे पड़े, दबो रखे इसने सारे के सारे, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं है इस पर कार्रवाई करने की। इसने तो खुद अपना घराला जिसने इसके कारण आत्महत्या करी सारी दुनिया ने पता है। बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट का घराला सोनाली फोगाट के कारण उस आदमी ने आत्महत्या करी, मैंने पहले भी ये बयान दिया था, आज फिर दूं, अगर इसके कारण ना करी तो हम जुम्मेवार हैं इस बात के, हमारे पास इस बात के ठोस सबूत है, सारी दुनिया ने पता है। नोएडा तक खेल शुरू हुआ था और वो कहां आके रुक गया, आखिर में इसके घराला ने अपनी सुसाइड करनी पड़ेगी, सारी दुनिया को इसका खेल का पता है। जिसी भी है हमने बोलने का दिन करा हमारा, लेकिन पता नहीं हमारे खिलाफ क्यों बिना बात उठपटांग बयान दे देती है। मेरे ख्याल से तो सीएम साहब पर इसका असर है, इसीलिए इसको किसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता, आपको बोलता नहीं, ये इतने गंदे शब्द बोल के अपने घर जा बैठे। मेरी सभी किसान भाइयों से अपील है, एकजुट होके इसके खिलाफ खड़े हो, और आदमपुर हल्का वाला से सारे किसान अपील करो कि इसको आदमपुर हल्का मत घुसने दो। और रही बात ये सपने ले रही एमएलए बनने की, दुष्यंत जी से मैं अपील करूंगा कि ऐसी पार्टी का साथ दो आप जो किसान विरोधी, किसानों को इतने बुंदे शब्द बोल रहे हैं। आप लोग जो बैठे हो कुर्सियों पर, जिनको या बेवड़ा बतावे है, जिनको लफंगा बतावे है, उनकी बदौलत बैठे हो आज। बीजेपी जेजेपी के जितने विधायक हैं इनके बदौलत बैठे हो। जो विधायक इसके खिलाफ नहीं बोलेगा उस विधायक का इलाज कराने जी पक्का, उस विधायक को गामा में घुसने देंगे। ठीक है राजनीतिक बयान दो, लेकिन ये थोड़ी है कि किसानों को लफंगा दारूबाज पता नहीं क्या क्या बोलेगी।
जम्मा बेलगाम होगी। बात सुन ले जी, साफ बात है, सोनाली फुकट तू खासकर सुन ले, तेरा इलाज करांगे हम। क्या धमकी दे तू एफ आई आर की? क्या की धमकी दे तू एफ आई आर की? डी आई जी तेरा बिक रहा है, डी आई जी ने कहते मनोज राठी पर्चा दर्ज करा, मैं तैयार हूँ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए। और मैं बताऊ तू कितनी घटिया है, मैं बताऊंगा सारी पब्लिक को, तेरी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा सारी, एक एक लोगों को पता है तने के कांड कर रखे है। नोएडा तो शुरू कर तेना कांड सारवा आपड़े, जिसी तू बली है सारी दुनिया ने मेरा है। फिर एक बार कहूंगा, सो मुझसे कहा के बिल्ली चली हज को, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम है, को तेरा को सिस्टम है के? बहुत घटिया अपने शब्द यूज करे हैं। और आज आज पूरा हरियाणा का किसान मजदूर व्यापारी दुकानदार तेरे इस बात की निंदा करता है, घोर निंदा करता है, और आज से पूरा हरियाणा तेरा बहिष्कार करता है। तने सारी उम्र उल्टे काम करे, रेड मान जाऊं क्या रेड है? अधिकारियों को परेशान तू करती है, मंथली चाहिए तेरे को, खुल्लम खुला पैसा चाहिए तेरे को, फिर धमकी देती है मैं डीआईजी से मिली एफआईआर कराऊंगी। एक किसान पर तेरा डीआईजी एफआईआर कर देगा, हरियाणा में तूफान ले आएंगे उसी दिन। तेरे में हिम्मत हो तो करा के देगा किसी किसान के ऊपर मुकदमा दर्ज, तेरा इलाज करांगे आप पक्का। पूरा हरियाणा इस बात के लिए जागरूक है, पूरे हरियाणा से मेरी अपील है, डिफॉल्टर लोग होते हैं पांच दस मिल जाएंगे आपको, जिनको कोई कामकाज नहीं होता, जिनके घर पे माँ बाप कहते ना बेटा जा भैंसा ने पानी पिया लिया, जा रोटी लिया खेत में से, तो उसका बिल्कुल ही मासी मर्जी है उसकी। राजनीति की हद होगी, सिर्फ यूं हो गया कि पंखा मिल जाए, आराम से ठाट से बैठूं बीड़ी फूकूं, उस तरह के हो गए वो। और उन्होंने मिलगी बॉर्डर पे एसी लगे हुए, ट्रैक्टर ट्राली मिल गए, वॉशिंग मशीन मिल गई, ऑटोमेटिक कपड़े धोने वहां नहीं ना, खुद कई घर में लुगाइयां मतलब कि ये क्या भी कोनी हो रहे तो कपड़े भी खुद ही धोने पड़े, वहां ऑटोमेटिक मशीन है। और शाम को बोतल मिला है पीने, मुर्गे मिल जाए उनने खाने, और नाच गाना मिल जाए देखने, और एसी मेरा वैसा दिन खाद से, तो वो जब उनको पास जो फैसिलिटी मिल गई, वो भैंसा ने पानी क्यों पियाना आवेंगे, और क्यों वो रोटी ले आवेंगे, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे? वो बुढ़े बाप नहीं भेजेंगे बेचारे ने, घर भी काटनी पड़े, इस तरह के काम करने पड़े, वो लफंगे वहाँ बैठे हैं और उनको ऑर्डर मिलता है तो ये सारी सुविधा ले ली जाएगी अगर सोनाली फोगाट का विरोध नहीं किया तो। वो लफंगे करते हैं विरोध, किसान है सुंदावास गाँव में विरोध हुआ ना, आपने देखा होगा कोई वीडियो भी आई है, उसमें गाँव के लोग बैठे आराम से दीवारों पे।